अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? आई होप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए जिंगर शवारमे की रेसिपी लेती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। इसमें मैं 1 टीस्पून रेड मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डालूँगी और 2 टेबलस्पून सोया सॉस और सिरका डालेंगे। मैंने सिरका डाला और अब मैं सोया सॉस डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन आधे से एक घंटे के लिए। तो अब जो हमें चिकन पर कोटिंग करनी है, ये मैंने मैदा लिया है और साथ में मैंने इसमें डाला है नमक और काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर पानी में इसको डिप करेंगे, फिर मैदा और फिर पानी भी ऐसे करके हम इसको 2 से 3 दफ़ा कोटिंग करेंगे। तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। चिकन के अच्छे से कोटिंग हो गई है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले से अच्छे से गर्म कर लिया था, तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन जो है सॉफ्ट हो जाए। तो जी ये मैंने एक दफ़ा इसको फ्राई कर लिया, दोबारा मैं फिर इसको फ्राई करूँगी तो इसका बहुत अच्छा सा कलर ब्राउन सा आ जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो जी अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। जो मैंने मेन लगाया और अब इसमें चिकन डालूंगी, और चिकन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी और केचप और मेयोनीज। अगर आपको ये नान की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखिएगा, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।